अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अगर आपने चैनल पर नया है तो काइंडली चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आई आने वाली अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मेरी कोशिश होती है रिएक्शन शॉर्ट और पॉइंट टू पॉइंट हो। अच्छा जी, सॉरी, बड़ी अहम जो पॉइंट्स हैं उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है, मैं आपको ये बता दूं कि दिलबर ने जो है वो एक रिएक्शन दिया जिसमें उन्होंने नैना को मुखातिब करते हुए बहुत ही प्यार से कहा और समझाया कि ये उनका काम नहीं है ये सब कुछ करना। और दिलबर ने ये भी कहा कि रहमानी और शब्बू की कुछ रसीदें हैं जो उनके हाथ लगी हैं। अच्छा, वो रसीदें जो हैं वो दिलबर जो है वो रिएक्शन में अपने दिखाएंगे और जो है उससे साबित होगा कि ये लोग के फंड्स में मुलव्वस थे। उसके साथ साथ जो है उन्होंने नैना को बहुत ही प्यार से मशवरा भी दिया कि आप जो है ये सब चीज़ें ना करें और सुधर जाएं। एक एक देखें, जो अमूमन भाइयों भाई जिस अंदाज़ में भाइयों को समझाना चाहिए उन्होंने उसी अंदाज़ में समझाया, और मैं उनके इस अंदाज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि अच्छा किया कि उन्होंने आराम से समझाया, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ देखिए, दिलबर ने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी वालदा से भी जो है वो माफ़ी मांगी, लेकिन उनकी वालदा को जो है ना वो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, या तो उनकी कम अकली है या जाहिली है, मुझे समझ नहीं आता कि जब आपके बच्चों का जो है ज़रिया आमदन जो है वो व्लॉगिंग ही है, ठीक है, वो व्लॉगिंग से ही कमा रहे हैं, व्लॉगिंग से ही अपने बच्चों को देख रहे हैं, और उसका जिक्र उन्होंने दिलबर ने अपनी वीडियो में भी किया, तो फिर भी जो है आप लगी हुई हैं और आप फजूल की हरकतें कर रही हैं, आप इससे भी कॉन्टैक्ट कर रही हैं, आप उससे भी कॉन्टैक्ट कर रही हैं, आपको क्या ज़रूरत है? जब आपके बच्चे आपको मना कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत क्या है इधर की बात उधर करने की और इस पर उस पर रिएक्शन देने की? और जैसे आप इन्होंने फोर सिस्टर्स पर रिएक्शन दिया, मतलब अननेसेसरी चीज़ें करने की क्या जरूरत है? इसका जिक्र दिलबर ने अपनी वीडियो में भी किया है कि भई हमारी रोज़ी रोटी है, फिर भी अगर आपको बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन उसके जवाब में क्या करती हैं वो, वहाँ पे थंबनेल लगा देती हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और दिलबर पे टॉन्ट मारने शुरू कर देती हैं कि औलाद को चाहिए कि माँ बाप की इज्जत करें। देखें, बिल्कुल औलाद को तो ये सब कुछ चाहिए, लेकिन माँ बाप को भी चाहिए, माँ बाप के भी कुछ फ़राइज़ होते हैं अपने औलाद से लेकर, के फजूल में उनके रोज़ी रोटी को जो है ना वो निशाना ना बनाएं, उस पर लात ना मारें। आप फजूल में लोगों से जो है वो पंगे लेती हैं। एक तो आपका व्लॉगिंग काम था नहीं, आपको व्लॉगिंग आती नहीं थी, आप अच्छा अपने काम में लगी हुई थी, एक चीज़ कर रही थी, फिर चले आपने व्लॉगिंग की, खाना पकाना आप दिखाई दी, वहाँ पे आपने छोटी बाजी के साथ एक जो है अलग जंग छेड़ दी और सब कुछ कर दिया, और उसमें आपकी जो बेटी हैं उन्होंने आपका बहुत साथ दिया और आप व्लॉगिंग में कूद पड़ी। अब जब आप कूद पड़ी हैं तो आप इनकी व्लॉगिंग में क्यों जाती हैं? आप अपना एक अलग काम करें, लेकिन इनको, इन खातून को समझ नहीं आती है बात। अच्छा, इस वजह से जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं माजी में और आगे भी होती रहेंगी। इसके बाद जो है टैना का जो है वो रिएक्शन आ गया। एक तो मुझे समझ नहीं आता रिएक्शन में इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही थी वो, क्या किसी को देखिए, एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आप किसी को बुढ़ी 40, 50, 60 साल, यानी ये क्या 40, 50 की जो आप कह रही हैं कि आपकी वालदा जो है वो 50 साल की उम्र कि नहीं है, कि आप उनको भी इसी तरह बुढ़ी घोड़ी ये वो सब कुछ कहते हैं, और आप किसी की उम्र पे मजाक क्यों उड़ाते हैं? जिस तरह मरियम की को ये क्रिटिसाइज करी थी उनकी एज पे बार बार, एज पे एक तो बहरी बात ये कि वो इस कदर बुढ़ी है नहीं जितना आप बताने की उन्हें कोशिश कर रही हैं, और दूसरी बात ये कि बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम ये सब कुछ, इससे कोई फ़ायदा, इससे कोई हासिल उसूल नहीं होता, बात वही होती है जो पॉइंट ही होती है। आप किसी को पर्सनल अटैक करेंगी, किसी एज की एज पर अटैक करेंगी, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको भी एक दिन ना टैना इस एज पे आना है, 40 में आप में भी आपने भी आना है, 30s में आपने भी क्रॉस करना है, 40 क्रॉस करना है, तो आपको भी जब लोग इस तरह से बात करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से ये ठीक चीज़ होगी। बहरहाल इनका ये कहना था कि सबसे पहले जो है वो सितारा सपोर्टर शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पहले जो भी शुरू करता है ये तो हम देखें, एक चीज़ शुरू हुई भी है, हर कोई शुरू कर रहा है, हर कोई इसमें जो है बहती गंगा में हाथ धो रहा है, वो सितारा सपोर्टर हो, सलमा सपोर्टर हो, नैना सपोर्टर हो, कोई भी सपोर्टर हो, हर कोई जो है ना वो इस बहती गंगा में हाथ धो रहा है और बहुत ही रच बस के धो रहा है हाथ अपने। तो ये बात नहीं है कि कौन शुरू करता है, कोई रिएक्शन देता है। आपका सिर्फ सबसे पहले एक रिएक्शन दिया गया आपकी चीज़ पे, जिस पे आपने उसको इतना बड़ा जो है वो इशू बना लिया।
तो आपकी एक मिमिक्री की जाती है जिसपे आप इशू बना लेती हैं। पहले भी आपके जो है वो मैंने पहले भी जिक्र किया कि नौशीन ने मिमिक्री की, उसके बाद आपने एक इशू जो है वो बना लिया कि फिर आप इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप किसी को मरियम को कहनी आँखें छोटी हैं आप टेढ़ी हैं मेढ़ी हैं जो भी हैं अल्लाह ताला की बनाई हुई आपकी आँखें कौन सी कोई बहुत ही हसीन है, या आपकी जब कोई बॉडी शेमिंग करता था तो आपको कैसा लगता था। अब आप जिस तरह का रिएक्शन दे रही हैं किसी की ज़ातियात पर उतर के, वो रिएक्शन अच्छा नहीं लग रहा। तो ये मैं आपसे कहूँगी कि इस किस्म की जो रिएक्शन है ना, ये बहुत ही सतही सोच होती है, जो बहुत ही सतही सोच रखते हैं। देखिए मैं हमेशा यहाँ पे बात करूँ, टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक वन राइट। अगर सामने वाला गलत है, आप भी गलत हैं, तो ये एक सही चीज़ नहीं बनेगी। एक गलत है तो एक सही हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसमें आप ये जो इनके शोहर की बात आ रही है, देखिए शाहरुख और जो मरियम के शोहर हैं उनमें क्या फ़र्क है। फ़र्क ये है कि शाहरुख जो है वो यूट्यूब पर हैं, वो रिएक्शन देते हैं, ठीक है, वो बात करते हैं, लेकिन मरियम के शोहर कभी आके यूट्यूब पे बात नहीं करते। तो एक बंदा जब यूट्यूब पे नहीं है तो आप उसके बारे में क्यों बात कर रही हैं। आप देखिए ना, एक मैं कहती हूँ, उन्होंने अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है मरियम के शोहर ने यूट्यूब तो नहीं रखना ना, उन्होंने बाहर नौकरी करनी है। एक पढ़ा लिखा आदमी है, एक रेपुटेटेड जॉब करते हुए आया है। अगर आप उसको उसकी रेपुटेशन को इतना डैमेज करेंगी तो ये अच्छी बात नहीं है। आपका शोहर जो है वो यहाँ पे यूट्यूब पे आके रिएक्शन देता है, और बहुत ही बुरे तरीके से रिएक्शन देता है, तो उस पर वो बात हो रही थी। तो जो लोग यूट्यूब पे नहीं हैं, आप प्लीज़ उनको घसीट के लाती हैं नैना, ये बहुत ही गलत बात है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे कल आपका रिएक्शन देख के। फिर ये कि मुझे आपके शोहर, मैं दोनों से कहूँगी कि ना आप उनके शोहर को बोले ना वो आपके शोहर को बोले, मुझे आपके शोहर से शादी नहीं करनी है, मुझे आपके शोहर से शादी नहीं करनी है। तो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मरियम के शोहर ने क्या आपको कुछ बोला है कि आप मुझसे शादी कर लें, या क्या उनके 3 बच्चे हैं, हैप्पी फैमिली माशाल्लाह गुजार रहे हैं। तो मुझे आपका ये रिएक्शन जो है ना बिल्कुल बहुत ही बदतमीजी से भरपूर लगा, बहुत ही बदतमीजी आप करती हैं कर रही हैं। इससे पहले भी आपने लफ्ज़ कुछ यूज़ किए थे, नंगे हो जाओगे, और ये नंगापन और ये सब बातें जो होती हैं ना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं होती। फिर आप बार बार कह रही हैं कि मुझे फाँस से शादी नहीं उन्हें कौन सा आपसे शादी करनी है, क्या अजीब आप बातें कर रही हैं। अच्छा, एक बहुत ही अहम टॉपिक, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखें आप ये साबित कर रही हैं टैना कि आप एक बेवकूफ़ औरत हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों। एक इंसान आपको बोल रहा है कि मेरे पास ये है, मैं ये लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, आपको इस कदर ड्रैग किया गया कि आपने आके खुद ही सच बोल दिया। अब आपने अपने रिएक्शन में कहा कि मेरा नहीं, अम्मी का ताल्लुक है इकरा और बिया से। देखिए, आप और आपकी वालदा एक ही हैं, इन आपका ताल्लुक हो या आपकी बीना का ताल्लुक हो इकरा और बिया से, ये वो औरतें हैं जिन्होंने आपके ख़ानदान की रेपुटेशन को डैमेज किया। अगर बीना का ताल्लुक भी लिया और इकरा से है, तो मैं ये सवाल करती हूँ, बीना आप कैसे उन औरतों से ताल्लुक़ रख सकती हैं जो आपकी वालदा को बिल्लो रानी और ठुमके और कितना कुछ बुरा कहती थी, कितना ट्रोल करती थी, उन औरतों से आपने ताल्लुक़ रखा सितारा की रेपुटेशन। फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो कुछ है ही नहीं सितारा से, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, सितारा ही हमारे पीछे पड़ी हुई है, इन लोगों में घुमंड है और ये सब कुछ है, लेकिन पसे पर्दा आप इनसे ताल्लुकात रखनी है। ये जो आपके बेटों को बुरा कहते हैं, ये जो दिलबर को उन्होंने दीदी दल्ला पता नहीं क्या क्या ये कहती हैं, आपने उनसे ताल्लुकात रखे हुए क्यों? ऐसे क्या दोस्ती, आपका उनका क्या जोड़ है, आपका उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप फिर आप कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये सब क्या है? ये सब यही बात है ना, इसी बात की निशानदेही है कि आप लोग गलत हैं, आप लोगों ने जो ताल्लुकात रखे हुए हेटर से। तो ठीक है, फिर सितारा के भी सपोर्टर जब आपको बोलते हैं तो आपको इतनी मिर्चें नहीं लगनी चाहिए, फिर आपको इतना अल्लाह रसूल की बातें जो हैं वो याद नहीं आनी चाहिए ना। आपकी इंसाफ फ्रॉड बीबी जो हैं, उनके इकरा और बिया को उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, उन्होंने एक मुहिम चला रखी है आपके पूरे ख़ानदान पे। मुझे समझ नहीं आता आप दोनों कैसी औरतें, बीना और टैना आप किस किस्म की औरतें, आपको मामले की नौयत का या मामले की उसका अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि किस किस्म का मामला, ये मामला किस हद तक जा रहा है।
तो मुझे बड़े ही अफसोस हुआ ये चीज़ें आपके बारे में सुन के, और आपने जिस तरह खुद एतराफ़ जुर्म किया कि हाँ बिया और इकरा से अम्मी के ताल्लुकात हैं, अम्मी के हैं तो यानी आपके भी उनसे कहीं ना कहीं ताल्लुकात हैं। अच्छा, बड़ी फंडिंग की बात हो रही थी, देखिए एक चीज़ तो आपने खुद एक्सेप्ट की कि लिया ने जो है तनवीर को 5,000 रुपये दिए, लेकिन ये तो हमें भी पता है कि 5,000 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 5,000 तो नहीं दिए। अच्छा, अगर 5,000 तनवीर को दिए तो यकीनन तनवीर की NIC वेस्टर्न यूनियन किया होगा ना, तो तनवीर की NIC पे उन्होंने भेजे होंगे, आपको भेजे, इसी दौरान रिएक्शन देते हुए आपने पहले 5,000 का, फिर कहा 15,000, ठीक है, फिर आपने कहा 15,000 भेजे थे, यानी अगर उन्होंने तनवीर को 15,000 भेजे थे आपकी NIC पे भेजे होंगे, अगर तो इसमें फंडिंग का बात नहीं है तो इन्हें डायरेक्ट तनवीर को दे देने चाहिए थे ना पैसे, तनवीर को NIC पे दे देने चाहिए थे। आपकी NIC में 15,000 भेजे और उसमें 10,000 रुपये आपने अपना जो कट रखा और बाकी 5,000 रुपये आपने तनवीर को दे दिए गरीब आदमी को, वो भी अपने नाम से दिए होंगे कि ये मैं मदद कर रही हूँ, तो ये तो आपका दिल है, फिर वो फिर क्या आपको कहा जाए। फिर तनवीर ने आके आपके बारे में सही बताया था ना कि आप दोनों मियाँ बीवी किस तरह के लोग हैं, आप लोग को अपने गरीब रिश्तेदारों को दिखा दिखा के लोगों से इमदाद लेते हैं और आगे उनको अपना कट रखते हैं और आगे उनको थोड़े से पैसे देते हैं, आपको ये पैसे तनवीर के अकाउंट में ही आने चाहिए थे, आपके अकाउंट में आने ही नहीं चाहिए थे, और आपने पहले 5,000 का अपनी जाके कोई रिएक्शन देख ले, उसके बाद अब 15,000 पे आई। अब एक दफ़ा की कहानी है, कितनी दफ़ा आपको ये पैसे दिए गए होंगे लोगों की मदद की खातिर, और आपने अपने गरीब रिश्तेदारों को एक और आपने अपने जेठ को दिखाया हुआ है, उनके नाम पे आपने कितने फंड्स लिए होंगे, अपना कट रखे आपने बाकी उनको दिया होगा, खुद आपने केक पेस्ट्रियों में सारे पैसे उड़ाए, तो मतलब शेम ऑन यू, ऐसे लोगों को शर्म करनी चाहिए कि वो ये क्या हरकतें कर रहे हैं और किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, ये कह रही है कि मुझे नहीं पता कि पिक्स किसने भेजी हैं और किसने अपने मोबाइल से पिक्स ली है, हर कोई, इन्होंने कहा हर कोई लेता है पिक्स, देखिए ना हर कोई पिक्स लेता है, अब वो पिक्स कहाँ से गई, यानी आपने भी पिक्स पिक्चर्स ली थी ना सितारा यासीन की, हर कोई अपने मोबाइल से सितारा यासीन की पिक्चर्स लेता था, और वो पिक्चर्स आगे किसने की क्या की ये इनको नहीं पता, ऐसा नहीं होता है ना, ये पिक्चर्स आप ही ने आगे की हैं और इसका भी आगे जाके आप खुद ही इकरार करेंगी, आप खुद ही पिस्ट ऑफ होके इन बातों का भी इकरार करेंगी, ये पिक्चर्स आपने सबको आगे फॉरवर्ड की हैं, और ये हो सकता है आपके और भी 2-3 रिश्तेदार इसमें मिले हुए हो जैसे बीना। अच्छा, फिर आपने एक जिक्र किया कि आप मरियम ने 3 लोगों का ग्रुप बनाया था, ये तो हमें पता है कि मरियम, असगर और सितारा यासीन का एक ग्रुप था, जब असगर जो थे वो अपनी बीवी के शिकंजे में जब तक नहीं आए थे और जब तक वो सितारा का साथ देना चाहते थे तब एक ग्रुप बना था, ये बात तो हमें पता है, तो इसमें ऐसी कोई नई बात है नहीं। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया टैना का रिएक्शन, उसके बाद जो है इनकी जो टॉमी है, मैं टॉमी कहूँगी कि टर के वो बात करते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, इनका ये कहना था इनके टॉमी का कि सलमा जो इस फ्रॉड बीवी है वो कभी अपने सपोर्टर्स को नहीं सिखाती, बिल्कुल गलत, बिल्कुल, हमने कई दफ़ा उनकी चैट देखी है कि अब आयत पे बात करो, अब एजाजा पे बात करो, अब तैयबा पे बात करो, ये सितारा यासीन की तस्वीर है, ये सब कुछ, ये ऐसी चैट्स लीक हुई हैं, फिर आप लोग मुकर जाते हैं, फिर आप ये आपकी जो फ्रॉड भी हैं ये अपने सपोर्टर्स की लाइफ में बैठी होती थी, अपने सपोर्टर्स के लिए कम्युनिटीज लगाती थी, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि यानी इतना सफेद झूठ आप लोग कैसे बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता। फिर इनके भी टॉमी ने कहा कि हम नंगा कर देंगे, ये देखिए किसी को नंगा कर देंगे तो बचेंगे आप भी नहीं ना, अगर आप किसी को नंगा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं तो आप तो खुद ही ऑलरेडी यूट्यूब पे पूरे नंगे हो चुके हैं, तो ऐसी बातें मेरे ख्याल से आपको गुरेज करना चाहिए। अच्छा, एक फिर फ्रॉड बीबी के एक थंबनेल पे बात करूँगी मैं, बेहतरीन इंतकाम, मैंने पूरा व्लॉग देखा, मैंने कहा शायद कोई बेहतरीन इंतकाम के बारे में, पर इन्होंने कुछ इसके बारे में नहीं कहा। अच्छा, वो बेहतरीन इंतकाम क्या हो सकता है, वो बेहतरीन इंतकाम यही है कि जैसे हमें पता चल रहा था कि सितारा यासीन की वालदा जो है वो आ रही थी, लेकिन फिर अचानक से पता चला कि जो है वो नहीं आ रही हैं,
उनका पासपोर्ट जो है उसके कुछ मसाइल हैं। अच्छा, ये जो मसाइल बता रही थी सितारा भी अपने रिएक्शन में, ये मुझे कुछ ऐसे समझ नहीं आया यार, मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा ऐसे कि पासपोर्ट नहीं मिलता 3 महीने, ऐसा नहीं होता। अर्जेंट आप अप्लाई करते हैं, आपको मिल जाता है। हर जगह जो है पाकिस्तान एम्बेसी होती है, सॉरी, वहाँ पे जो है आप जो है अप्लाई करते हैं और हर चीज़ जो है बहुत स्मूथली अब तो हो जाती है, कंप्यूटराइज्ड होती है, 1 हफ्ते में चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये बेचारे सितारा यासीन की वालदा जो वालिद हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हर चीज़ यही डील कर रहे हैं। मैंने आपको अगर पिछली वीडियो याद हो तो मैंने आपको बताया था ये नहीं आने देंगे, और ये नहीं आने देंगे, ये पूरा निकालेंगे साल, ये मेरा गुमान है कि नहीं आने देंगे। और इन्होंने अपने थंबनेल पे भी ये लिखा कि बेहतरीन इंतकाम, और ये सब चीज़ें इन्होंने अपने कहती तो नहीं है लेकिन ये करती हैं ज़्यादा, ना गुन्नापन इनमें बहुत है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब पे चल रही हैं। बहरहाल मेरे यही मशवरा है कि ये इतना कीचड़ इतना करें ना हर कोई कि जितना आप पे खुद बर्दाश्त हो सके, इससे ज़्यादा जो है आउट ऑफ द ट्रैक जो है वो आप नहीं जाएं। उसके अलावा मैंने देसी की भी एक वीडियो देखी, लाइव देखी, बड़ा ही अफसोस हुआ जिस तरह की ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन करें मैं तो कहती हूँ किस किस्म का आदमी है, किस किस्म के लोग हैं कि जिस औरत को आपने कभी बहन कहा था आप उसके लिए इतनी गंदी और बकवास वाहियात इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे, भाई हम इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कह सकते। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।